तो अभी हम रुद्रप्रयाग से निकल चुके हैं, आगे हैं गुप्तकाशी में, यहाँ से 33 किलोमीटर आगे गौरीकुंड। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में, थोड़ा पैदल जाएंगे, आगे से गाड़ी पकड़ेंगे गौरीकुंड के लिए, फिर गौरीकुंड से हमारी यात्रा शुरू होगी। ये देखो यहाँ पे वाटरफॉल आ रहे हैं छोटे छोटे, ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह क्या टाइम हुआ है? सवा 6 बजे का टाइम है, तो हम बाहर निकले हुए हैं, आपको दिखाते हैं बाहर केदारनाथ का, बाबा केदारनाथ का व्यू ऊपर पहाड़ियों में। काफी ज्यादा बर्फ है और ठंड भी काफी ज्यादा है, हाथ जाम हुए। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा, ये देखो पहाड़ियों पे ताजी ताजी बर्फ पड़ी हुई है। अभी जब इस पे लाइट पड़ेगी, मतलब धूप पड़ेगी ना, तो ये बिल्कुल ही शाइन करेगा। ये बाबा केदारनाथ का मंदिर, अभी हम इधर गए नहीं है, अभी जाएंगे क्योंकि रात को हम लेट पहुंचे थे। बाकी ये देखो पहाड़ियों का व्यू दिखाते हैं आपको, कितना मतलब जबरदस्त, इतनी ठंड है मतलब कि मेरे हाथ जो है ना बिल्कुल ही जाम हो रहे हैं, फोन पकड़ा नहीं जा रहा मेरे से। ये देखो पहाड़ियों पे बिल्कुल मतलब ताजा ताजा बर्फ गिरी है यहाँ पे, तो काफी मतलब जैसे स्वर्ग है यहाँ पे, तो नहीं कर रही, इतना ठंडा पानी है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। ये देखो जाम हो गया बिल्कुल, यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा अच्छे से। ये हमारे साथ साथी हमारे बाकी कैंपिंग वाले फोटो शूट करते हुए, ये टोटल सारे लोग हम। ये देखो व्यू जो है धूप पड़ चुकी है यहाँ पे, तो ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से आगे के लिए कोई 1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा, तो यहीं पे हमने टेंट लिया हुआ था, जो कि 7-8 बंदे थे हम। कुछ लोग यहाँ पे अभी भी टेंट में तैयार हो रहे हैं साथी हमारे, और ये देखो हमारे नए मेंबर, हाय राधे राधे। बाकी थोड़े शूट कर रहे हैं फोटो, थोड़े रेडी हो गए, और पीछे पहाड़ी देखो आप, कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, आपको आगे जाके दिखाते हैं पूरा मंदिर का व्यू। तो हाय दोस्तों, काफी ज्यादा ठंड चल रही है, ये देखो दोस्तों हमारे ऑफिशियल देवराज चौहान। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, ये हमारे बलवीर भाई ठंड से बिल्कुल काँप चुके, ये हमारे मंगल सर जो कि रेडी हो चुके हैं बिल्कुल ही। ये पीछे देखो आप पहाड़ियों का व्यू देखो आप, कितना जबरदस्त, मतलब धूप पड़ी है अभी इस पे, तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा वो आ रहा है, व्यू आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, मतलब टेंट लगाए हुए हैं लोगों ने, तो यहाँ पे 3,000-4,000 मतलब काफी ज्यादा महंगा देते हैं, पर फिर भी हमें तो लेना ही था, तो हमने ले लिया 2500 में, 8 बंदे थे। तो फिलहाल इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि मेरे मतलब हाथों में जो है ना मतलब फोन नहीं पकड़ा जा रहा मेरे से। तो ये देखो कितना मतलब गजब का व्यू है यहाँ से, बहुत सुंदर नजारा है यहाँ पे। दोस्त लोग हमारे भी रेडी हो चुके हैं, आएंगे, ये देखो लोग थोड़े दर्शन करके आ रहे हैं, थोड़े हम जाएंगे अभी यहाँ से आगे, करवाते हैं आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन। ये देखो हमारी, ये टोटल लोग हैं हमारे पास, ये देखो से हाय। अभी सुबह सुबह का टाइम है, उतना क्लियर तो बन नहीं रहा, पर फिर भी चलो सही है, ये हमारे टोटल 8 मेंबर हैं हम। चलिए दिखाते हैं आपको आगे का बाबा के दरबार में, ये देखो ये जयकारा हो जाए एक, जय भोले बाबा की। भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठंड हो रही, ठंड हो रही काफी ज्यादा, काफी ज्यादा यार, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लाल हो गए हाथ। बाकी उसे रिव्यू लेते हैं हमारे जो साथी हैं, मोहिंद्र से लेंगे रिव्यू, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अभी तो, सुबह थोड़ा ठंड भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड भी है और ऊपर से धूप भी लग रही है। मेरे देखो हाथ कांप रहे हैं बिल्कुल, फोन मतलब पकड़ा नहीं जा रहा मेरे से। हर हर शंभु शंभु दर्शन करके शिव महादेव। ये देखो पहाड़ी देखो आप, वाओ कितना जबरदस्त व्यू है यहाँ पे, ये देखो साथी हमारे
केदारनाथ का गेट, इधर से जाएंगे अंदर हम वापस आते देखेंगे। अभी नहीं तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, कुछ यात्री यहाँ पे इसमें आते हैं। तो मेरे से ना बोला भी नहीं जा रहा, अभी तो इतनी ज्यादा ठंड है। शंभू शिव महादेवा शंभू, बड़े सारे लोग जिनसे चला नहीं जाता ना वो इसी में आते हैं। एक्चुअली मैं शाम का प्लाव बना नहीं पाया था क्योंकि हम रात को लेट पहुंचे थे ना यहाँ पे। 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी जो कि हमने 3 घंटे में ही कवर कर ली थी, 3-3.5 घंटे में, पर वो थोड़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो अभी दिखाते हैं आपको मंदिर का व्यू, दर्शन करवाते हैं आपको भोले बाबा के। ये देखो इतने सारे लोग यहाँ पे, इधर से व्यू देखो आप, ये वाला व्यू कितना सुंदर लग रहा। बाबा के दरबार में पहुंचने ही वाले हैं, वो देखो मंदिर दिख रहा पीछे, जूम करके दिखा रहा हूं मैं, आगे दिखाता हूँ आपको जाके पूरा मंदिर का व्यू। एक्चुअली बड़ा धुआं मेरा, अभी तो धूप आ गई है ऊपर, थोड़ा ऊपर पहाड़ियों पे, नीचे भी आ जाएगी तो फिर तो सही हो जाएगा मौसम, फिर नहीं उतनी ज्यादा ठंड हो गई। ये देखो ऊपर चलते हैं भोलेनाथ के दरबार में, करवाते हैं आपको भी दर्शन। ये भोलेनाथ की गंगा, पहुंच गए भोले बाबा के दरबार में, बहुत सारा ठंड है। क्या चीज है? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बलवीर बनाई गया, चलिए आगे। ठंड तो बहुत ज्यादा है पर फिर भी आपको दर्शन तो करवाएंगे हम मंदिर के, बिल्कुल मतलब ब्लड जाम होने वाला, इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। ये देखो लोग तो काफी दिख रहे हैं, आप देखते हैं कितनी भीड़ है यार। नहीं है, जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ। फाइनली हम आ गए हैं भोले बाबा के दरबार में। ये देखो यहाँ पे तो काफी लंबी लाइन लगी हुई है, हाँ तो लाइन में लगना पड़ेगा हमें भी। ये देखो यहाँ से लाइन लगी हुई है, यहाँ से ऐसे लोग। ये तो भोले बाबा के दर्शन करवाए हैं आपको, ये देखो यहीं से देख लो जो भी देखना है, क्योंकि अंदर फोन अलो नहीं है शायद लेना, तो आपको ये ऊपर पहाड़ी देखो, ऊपर ऊपर तो मुझे लग रहा है हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा यहाँ से।
काफी लंबी लाइन लगी है यहाँ से। चलो चलो भीड़ तो काफी ज्यादा है यहाँ पर, चलता है इतना तो हमारे ऊपर मंदिरों में भी होता है। लाइन में लग के दर्शन करने का मजा ही कुछ और है। ऐसे जल्दी से दर्शन हो जाए तो वो तो फिर वो होता है ना। चलो ये काफी ज्यादा रश है अभी, थोड़ा हम लेट हो गए सुबह। हमने सोचा चलो थोड़ा दिन में दर्शन करेंगे तो अभी चलो दर्शन करने का मजा जो है वो लाइन में लग के ही होता है। ये देखो यहाँ से ऊपर धूप खिल चुकी है, नीचे भी आएगी धूप तो अभी तो ठंड कम हो गई है फिर तो। फाइनली यहाँ पे धूप खिल चुकी है, हम अभी लाइन में ही लगे हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी पर अभी भोले बाबा की कृपा से हर हर महादेव हर हर महादेव हाय 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 महादेव। काफी लाइन में लगने का भी मजा आ रहा है। ये सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं, बहुत बड़ी लाइन लगी है यहाँ। देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कितने लोग हैं यहाँ पे ये देख सकते हो आप। अभी तो धूप निकल चुकी है तो सही से मतलब दर्शन हो रहे हैं। फाइनली हम दर्शन करने के बाद अभी जा रहे हैं हम भैरव मंदिर, जो के बाहर दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा पहाड़ियों पे झंडे जैसे उतरी जाना है हमने तो ऊपर जाते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको फिर उधर से मंदिर का भी पूरा व्यू आएगा। यहाँ से देखते हैं वो देखो सामने दिख रहा है वो देखो उधर जाएंगे हम, भैरव मंदिर है। चलो दिखाते हैं आगे जाके आपको फिर मंदिर का भी पूरा व्यू आएगा यहाँ से। तो ये पूरा एरिया ये देखो यहाँ से जब 2014 या 15 में शायद बाढ़ आई हुई थी तो यहाँ पे पूरा वो हो चुका है। ये देखो यहाँ से आया था पानी बादल फटने के कारण तो वहां प्रलय हो गई थी यहाँ पे। तो ये देखो लोगों ने पत्थर खड़े किए हुए हैं यहाँ पे। व्यू देखो आप, एक बात अच्छी हुई कि आज मौसम सही था तो पानी बिल्कुल जम गया है, कोहरा बन गया उसका, इतनी ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है। तो देखो यहाँ पे तेज हवा चल रही है।
कितनी मस्त जगह है ना। ये देखो लड़के पहले ही चढ़ चुके हैं थोड़े। ये हमारे भैया जी, ये भी ब्लॉगर है, इन्होंने भी बनाया ब्लॉग। यादों के लिए भाई के चैनल का नाम बता दे उसमें। चलो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करें भाई का चैनल, काफी ठंड में बना। बिल्कुल बिल्कुल, भैया ने बोल दिया अब तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अब चलेंगे थोड़ा ऊपर। अब जाएंगे हम वापस, काफी हो गया क्योंकि लेट हो जाएंगे। हेलो, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी हम जा रहे हैं वापस। जय भोलेनाथ।